दिवाकर हौजी गर्ल्स वेयर मिलने का एकमात्र स्थान जहाँ मिलेगी फैंसी ड्रेस, जीन्स टॉप, लेगी कुर्ता प्लाजो कुर्ते, वो भी नए नए डिजाइन में, एक बार अवश्य बताएं। होम शॉपिंग शोरूम शादी विवाह के संपूर्ण फर्नीचर के साथ आपके घर को सजाना, फर्नीचर की अच्छी रेंज के साथ बाजार से कम दामों की गारंटी। हमारा पता हटा रोड हटा नाका गुलाब बाबा मंदिर के बाजू में दमोह, एक बार अवश्य पधारें। 55 से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा किशन सुपर मार्केटिंग बूंदाबाऊ कॉम्प्लेक्स दमोह बाजार से कम कीमत पर। बर्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। आइए नजर डालते हैं दमोह शहर की बड़ी खबरों में। दमोह जिले के काईखेड़ा गांव में स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई, अवैध रूप से संचालित क्लिनिक सील किया। बीएमओ डॉक्टर अमन श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार मानसिंह अग्रवाल, फार्मेसिस्ट श्री राम गोस्वामी, विक्रम सिंह आदि स्वास्थ्य अमले और मरिया दो पुलिस से निशांत वैष्णव की उपस्थिति में हुई बड़ी कार्रवाई। रुक जाना नहीं कि छात्रा को छोड़ने दमोह आ रहे बाइक चालक युवक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, छात्रा की हालत गंभीर। जिले के नौड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिश्नाखेड़ी तिराई के समीप बाइक सवार युवक जो कि अपनी बहन को लेकर आ रहा था, जहां बाइक सवार शिवम पिता लखन चौधरी उम्र 20 वर्ष निवासी जबीरा, कक्षा 12वीं की बहन मोहिनी पिता राजेश चौधरी उम्र 19 वर्ष निवासी पौड़ी को दमोह परीक्षा में शामिल कराने के लिए आ रहा था, जहां बिश्नाखेड़ी के समीप एक ट्रक की साइड से टक्कर लग जाने पर युवक बुरी तरह घायल हो गया, जिसकी युवक से घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं कक्षा 12वीं की छात्रा का इलाज दमोह जिला अस्पताल में जारी है। मौके पर पहुंची 108 पुलिस दोनों को दमोह जिला अस्पताल लेकर आई थी, जहां घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर थाना प्रभारी नोटारा पहुंचकर पुलिस जांच में जुटी हुई है, मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। इधर दमोह कलेक्टर कोचर भी इस हादसे की खबर लगते ही तत्काल सिविल सर्जन सहित अधिकारियों को बेहतर इलाज के लिए निर्देशित किया गया है। रुक जाना नहीं परीक्षा में शामिल होने आ रहे अपने पिता के साथ आ रही दो छात्राएं भी घायल, पिता की हालत गंभीर। मंगलवार दोपहर वाली शिफ्ट में रुक जाना नहीं कि परीक्षा में शामिल होने अपने पिता के साथ दमोह आ रही दो छात्राएं सड़क दुर्घटना में का शिकार हो गई, जिससे दोनों छात्राओं सहित पिता को गंभीर हालत में इलाज के लिए दमोह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने बताया कि सोनम गौण उम्र 14 वर्ष कक्षा 10वीं, कामना गौण 16 वर्ष कक्षा 10वीं, पिता कोमल गौण तथा बाइक चालक कोमल गौण उम्र 40 वर्ष निवासी पौड़ी तारादेही को किसी अज्ञात वाहन की जोरदार टक्कर लगी, जिससे बाइक सवार दो छात्रा और पिता बुरी तरह घायल हो गए। इलाज के लिए दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ पर पिता को भर्ती कराया गया, जहाँ उसे पलंग भी नसीब नहीं हुआ। धरती पर पिता का इलाज चलता रहा और दोनों बेटियां आसपास बैठी रहीं। दमोह जिला कलेक्टर के निर्देश में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जिले की 112 निजी क्लिनिकों का नवीनीकरण न कराने के कारण लाइसेंस निरस्त किया गया, जिसमें शहर के मुख्य क्लिनिक 112 क्लिनिक शामिल हैं, जिनमें मुख्य रूप से डॉक्टर आईसी जैन, डॉक्टर अमित जैन की अस्पताल व डॉक्टर वर्मा की क्लिनिक शामिल है। पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। सीढ़ी कोतवाली क्षेत्र के सर्किट हाउस का था मामला, दमोह न्यायालय के द्वारा 302 में आजीवन कारावास एवं धारा 201 बादवी में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 7000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया गया है। मालूम हो कि आरोपी संतोष रैकवाल, पिता धनीराम, उम्र 29 वर्ष निवासी मुकेश कॉलोनी दमोह को सजा न्यायालय के द्वारा सुनाई गई है, जिसके द्वारा दमोह के सर्किट हाउस में 12 मार्च 2020 को अपने दोस्तों के साथ मामले पहुंचकर अपनी पत्नी की हत्या की गई थी। मृतका की गला घोंटकर हत्या करना व मृतका की स्कूटी, किताबें, बैग आदि को मत्स्य विभाग के पास उसकी निशानदेही पर जब्त किया गया था। दमोह में रुक जाना नहीं योजना में परीक्षा में सम्मिलित छात्राओं को छात्रावास में भी विशेष कक्षाएं दमोह में परीक्षा देने हेतु रुके छात्र छात्राओं को शिक्षक दे रहे मार्गदर्शन। रुक जाना नहीं परीक्षा योजना के तहत आयोजित परीक्षा चल रही है, जो छात्रावास में रुके हुए हैं इस दौरान शिक्षकगण उत्साह से छात्र छात्राओं को अध्ययन अध्यापन जिला कलेक्टर के निर्देश में लगातार करा रहे हैं। दमोह जिले में पेयजल संबंधी शिकायत तय संबंधी विभाग नगरीय और ग्रामीण निकाय सुनिश्चित करेंगे, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर श्री कोचर ने किया निर्देश,
आग पर कैसे विभाग उपाय प्रशिक्षण दिया गया। समय सीमा पर बैठक संपन्न, दिए गए अहम दिशा निर्देश। दमोजले में दो पहिया चार पहिया वाहनों की समुचित पार्किंग व्यवस्था के लिए कलेक्टर श्री कोचर ने किया समिति का गठन। मुख्य मार्गों बाजार में दो पहिया चार पहिया वाहनों की समुचित पार्किंग व्यवस्था नहीं होने से नाकाबिल यातायात विपरीत रूप से प्रभावित हो रहा है, बल्कि जन सामान्य को भी अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में सोशल मीडिया अन्य माध्यमों से आमजन से प्राप्त सुझावों के आधार पर कलेक्टर श्री सुधीर कोचर के द्वारा नगर में दो पहिया चार पहिया वाहनों की पार्किंग हेतु समुचित स्थानों को चिन्हित करने संबंधी समिति का गठन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से अनुविभागीय अधिकारी दमोह, नगर पुलिस अधीक्षक दमोह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी व पुलिस अधीक्षक दमोह शामिल हैं। शिविरों में 488 बुजुर्ग हुए लाभान्वित। जिला सहित अन्य विकास खंडों में आयोजित हुए वृद्धजन स्वास्थ्य शिविर। दमोह जिले के जिला अस्पताल में भी शिविर का किया गया आयोजन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं हेल्थ वेलनेस सेंटरों में वृद्धजन स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। शिविर में बुजुर्गों ने 40 आवाईडी एवं 10 आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को हुई 3 वर्ष की सजा। पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी कमल पिता लाचले काछी थाना दमोह देहात निवासी को 21/5/2024 पायद निर्णय को में पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 7/8 में 3 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 341, 354, 354 डी में 1-1 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 1400 रुपये दंड से दंडित किया गया है। मामले में पैरवी प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी कैलाश चंद पटेल के निर्देश में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी हेमंत कुमार पांडे द्वारा की गई व सहायक ग्रेड 3 तरुण सोनी द्वारा आवश्यक सहयोग किया गया। दमोह जिले के पुलिस अधीक्षक श्री सोमवंशी की अध्यक्षता में जिले के थाना प्रभारियों की बैठक एडिशनल SP संदीप मिश्रा, CSP अभिषेक तिवारी, SDOP अटल नीतीश पटेल, SDOP पथरिया रघु केसरी, SDOP तेंदुखेड़ा देवी सिंह ठाकुर और थाना प्रभारियों की उपस्थिति रही। दमोह जिले के हटा के भदभदाता का अध्यक्ष, लोग गर्मी का मजा लेकर सावधानी भी बरतें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।